Welcome students, here I am going to start a new chapter for class 6 social science and introduction to history chapter number 1. This is your SST book exploring social science. In SST there are 3 divisions. First is history, second is geography, third is political science or civics. Chapter 1 to 15 that is history, chapter 16 to 23 that is geography, and chapter 24 to chapter 30 is your political science or civics. Okay, so there are 3 divisions. So before starting, these are the points which we are going to cover today. First one is what is history. We will see what is history. History kya hota hai, importance of history, sources of history. There are 2 sources of history: literary source, archaeological source. Literary source is also called written source, and archaeological source is called non-written source. 3 types of literary source: religious literature, secular literature, and traveler's account. And 4 types of archaeological source, non-written source, that is artifacts, monuments, coins, and inscriptions. So we are going to study this all in detail. So very first, what is history? हिस्ट्री क्या होता है बच्चों, इतिहास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हेरोडोट्स, हेरोडोट्स कौन है? हेरोडोट्स एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये जो वर्ड है हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री इतिहास, ये जो वर्ड है ये इन्वेंट किया था. किसने किया था? हेरोडोट्स ने ही किया था, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे. अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने अपने तरीके से हिस्ट्री को डिफाइन करने की कोशिश की है. तो हेरोडोट्स क्या कहते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है? हेरोडोट्स कहते हैं हिस्ट्री इज द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट टाइम. अकॉर्डिंग टू हेरोडोट्स क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री है वो क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट टाइम. ठीक है, पास्ट टाइम के बारे में जो स्टडी होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? हिस्ट्री. ओके, सो नाउ यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. Why do we need to study history? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की? हिस्ट्री इज द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट डे टू द प्रेजेंट डे. हिस्ट्री क्या होता है? इट्स अ लाइफ स्टडी ऑफ अ मैन. कब से? फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द प्रेजेंट डे. ओके, सो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू नो द पास्ट. क्योंकि ये हमें हेल्प करता है क्या पढ़ने के लिए? पास्ट के बारे में हमें जानकारी देता है हिस्ट्री. ओके, दो इन स्टडी वी कम टू नो अबाउट किंग्स एज वेल एज स्टेटमेंट्स ऑर्डिनरी पीपल. इतना ही नहीं, हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है और हमारे जो आज तक के जो राजा महाराजा है, जितने भी आए, जितने भी रूलर्स आए, राजा रानी जितने भी आए, उनके बारे में भी हमें, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में भी हमें पता चलता है. It enables us to gain knowledge of the continuous development of man's culture and civilization. और इतना ही नहीं, man's का जो man का जो culture है, ठीक है, आज तक का जो भी development हुआ, ठीक है, man's culture, about the man's culture और civilization, ठीक है, इसके बारे में भी हमें क्या है पता चलता है. It is from the study of history that we come to know the origin and evolution of different languages which we are speak today. आज के टाइम में हम बोलने वाले जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके ओरिजिन के बारे में भी हमें क्या है? हिस्ट्री से पता चलता है. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. और इतना ही नहीं, हमारे जो बेसिक नेचर है सोसाइटी के, हमारे समाज का जो बेसिक नेचर है, उसके बारे में भी हमें क्या है काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें हिस्ट्री पढ़ने के दौरान मिलती है या प्राप्त होती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइम फ्रेम. व्हाट इज मीन बाय बीसी एंड एडी? बीसी और एडी क्या होता है बच्चों? हिस्ट्री डील्स विद द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मैन, हिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हाउ टू मेजर दिस लॉन्ग पीरियड इज अ प्रॉब्लम. हिस्ट्री क्या करता है? कंप्लीट स्टोरी बताता है. ठीक है, जो लोग हैं उनके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसकी कंप्लीट स्टोरी बताता है. हिस्ट्री हमें सब कुछ बताता है, पर उसे किस तरीके से मेजर किया जाए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है.
But historians have solved this problem too by introducing the concept of BC and AD. पर जो historians हैं, उन्होंने इस problem का भी solution निकाला. किस concept को लेके आए हो? BC और AD का जो concept है, उसको लेकर आए. Okay, so what is BC and AD? The birth of the Christ is the focal point from which we count the days. जो हम dates जो count करते हैं, उसका जो main point है, वो क्या है? Birth of Jesus Christ. If an event happened 100 years before the birth of Christ, we say that event happened in 100 BC. अब मान लीजिए जो birth Christ के birth के time से 100 साल पहले की कोई घटना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसे before Christ? तो यानी कि 100 BC कहेंगे हम उसे, ठीक है? यानी कि Jesus Christ के birth के 100 year पहले की बात है, उनके जन्म से 100 years पहले की बात है. इसीलिए हम क्या कहेंगे उसे 100 BC कहेंगे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट. और वैसे ही अगर 100 इयर्स बाद की बात है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात है, तो हम क्या लगाएंगे? एडी लगाएंगे, उसे कहते हैं एनो डोमिनी. ओके, सो हाउ इज द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट रिलेवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट? What we are today is a product of the past. If we want to understand anything, we will have to go to its root or foundation. If we want to know about any country or a nation, we will have to go to its past history. Many of our beliefs and traditions are deep rooted in the past. If we want to understand India today, we will have to study its past history. अब देखो, हमें कभी भी कोई अगर कुछ प्रेजेंट के बारे में हमें पता करना है, आज की अगर कोई बात हमें पता करना है, मान लो जैसे हमें इंडिया के बारे में कोई जानकारी चाहिए, हमें हमारे देश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके जो पास्ट के बारे में, उसके रूट के बारे में हमें पहले जानना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को बहुत अच्छे से जान पाएंगे. इसीलिए क्या कहते हैं कि पास्ट जो कि प्रेजेंट को जानने के लिए पास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा. Now names of the land. Our country was known by different names from time to time. हमारा जो country है उसे time to time अलग अलग नाम से कहा जाता है. हम आज क्या बुलाते हैं? India कहते हैं, ठीक है, भारत कहते हैं हम. तो हमारी जो India, हमारी जो country है, उसको time to time अलग अलग नाम से बुलाया जाता था. But two of them, भारत एंड इंडिया, आर द मोस्ट वेल नोन. पर उन सब नामों से, बहुत अलग अलग नाम से बुलाए जाते थे, पर उन सब में जो दो नाम, भारत और इंडिया, जो कि बहुत ही वेल नोन है. द नेम भारत इज मेंशन इन ऋग्वेदा. और ये जो भारत जो नाम है, ये हम लोग कहाँ पाते हैं? ऋग्वेदा में पाया जाता है. संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो. इनिशियली नेम भारत वॉज यूज फॉर दोज पीपल. सबसे पहले जो भारत जो वर्ड था, वो उन लोगों के लिए कहा जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे. बट लेटर ऑन इट बिगेन टू बी यूज फॉर द होल कंट्री. पर उसके बाद में पूरी कंट्री के लोगों के लिए भारत नाम यूज किया जाने लगा. इस तरीके से अलग अलग नाम से क्या है, हमारे इंडिया को बुलाया जाता, जैसे कि हिंदोस, इंडोस, ठीक है, इंडिया, भारत, ऐसे अलग अलग नाम से हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री को बुलाया जाता था. नेक्स्ट वी सी द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क. हाउ इज ज्योग्राफी हेल्पफुल इन शेपिंग द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल? जो ज्योग्राफी है वो हमारे लोगों के जो हिस्ट्री है उसको शेप करने में कैसे इंपॉर्टेंट है? पीपल ऑफ एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंट्रीज ज्योग्राफिकल फीचर्स. Their style of living, wearing clothes, food habits are all influenced by it. People living in cold regions like Siberia would naturally wear woolen clothes. अब देखो, जो लोग जिस रीजन में रहते हैं वो उस हिसाब से ही वो लोग रहते हैं. जैसे कि अगर साइबेरिया में रहने वाले लोग हैं, ठंडा इलाका है वो, कोल्ड रीजन है, तो वहां के लोग कैसे क्लोथ्स पहनेंगे? वूलन क्लोथ से ज्यादा पहनेंगे. While those living in hot countries would wear loose clothes. और जो हॉट कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, ठीक, गर्म इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वहां पे लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे? लूज क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक है, जैसे कि अरेबिया, ठीक है, हॉट कंट्री है वो, तो वहां पे लोग ज्यादातर क्या है, जो लूज क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं.
The following physical or geographical divisions of India have affected Indian people and their history in their own way. इस तरीके से जो हमारा जो geographical feature है वो four types के होते हैं. That is Great Himalayas, the Great Northern Plains, Deccan Plateau, the Eastern Western Coastal Regions. तो हमारे जो इंडिया के जो geographical features हैं वो three or four types में divided हैं. The Great Himalayas have always been a barrier for invaders from the north. Hence, very few inventions have taken place from this side. जो ग्रेट हिमालयस है, जो नॉर्दर्न साइड में जो ग्रेट हिमालयस है वो हमारे जो नॉर्थ साइड में जो इन्वेडर्स हैं, ठीक है, आक्रमण वहां से बहुत कम होता था. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, हिमालयन रीजन है, बहुत पहाड़ी इलाका है वहां पे. तो वहां से क्या है, इन्वेडर्स बहुत कम आते थे, इंडिया पे अटैक बहुत कम होता था. Hence, very few invasions have taken place from this side. उस जगह से जो हमारे इंडिया में जो आक्रमण है वो बहुत कम होते थे. इंडिया वॉज इन्वेडेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड सिंपली. पर जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वहां से इंडिया में बहुत इजीली क्या है, बहुत बार वहां से क्या हुआ है, अटैक हुआ है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी लो लाइंग प्लेस पासेस. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत सारा लो लाइंग पैसेस होने के कारण इजीली वहां से क्या है जो अटैक होता था. द वास्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर्म अ बेस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वास्ट एम्पायर्स लाइक दैट ऑफ मौर्यास एंड द गुप्तास एंड द मुगल्स. हैव यू एवर थॉट व्हाई पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ द टू ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द मौर्यास एंड गुप्तास? Though the gap between the existence of these two empires was more than six centuries. The Deccan provided good military base, so even the mighty empires of the north could not easily win and keep those areas under their control for a long time. Now you see, where did people live in India? Log India mein kahan pe rehte the? In their march towards civilization, people in India had to pass through various stages of evolution like their counterparts in many other countries of the world. The first of the stage of food gathering and hunting, where people had to wander from place to place in search of food. पहले के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लोग क्या थे, फूड गैदरर्स थे, ठीक है. एक सेटल्ड लाइफ उनकी नहीं थी. अर्ली पीरियड में हम लोग देखते हैं जो अर्ली स्टेज में अर्ली मैन थे वो कैसे रहते थे, एक सेटल लाइफ नहीं थी, जंगलों में रहा करते थे. आप लोगों ने पहले सुना होगा, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहा करते थे और वो फूड गैदरर्स थे, ठीक है. इधर से उधर वो लोग वॉन्डरर्स थे, एक जगह सेटल नहीं थे, इधर से उधर वो लोग घुमा करते थे. किस लिए? फूड गैदरिंग के लिए. सम साइड्स ऑफ दिस पीपल हैज़न्ट फाउंड द वास्ट एरियाज. इस तरीके से जो लोग हैं उनके जो हमें बहुत सारे ऐसे प्रूफ हमें मिले हैं, अलग अलग साइट्स में हमें ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले हैं कि ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह में घूमते थे. धीरे धीरे क्या हो गया, वो लोग उन लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा, उन्होंने समझा कि क्या है, खेती बाड़ी करने से हमें खाने के लिए मिलेगा. तो वो लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू हुए, ओके, और धीरे धीरे वो लोग एक जगह में सेटल होना शुरू हुए, ठीक है. और इस तरीके से विलेज बना, एक ग्रुप में रहने लगे, विलेज बना, देन टाउन बना, सिटीज बने. इस तरीके से क्या है, इवोल्यूशन होता गया. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेस. द स्टोरी ऑफ मैन ऑन दिस अर्थ गोज बैक टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स. वी कैन लर्न अबाउट इट फ्रॉम द एविडेंस लेफ्ट बाय आवर एंसेस्टर्स. हमारी जो स्टोरी है अर्ली टाइम की, वो हमको उसके बारे में कैसे पता चलता है, ठीक है, हम लोगों को वो रिटर्न सोर्स से हमें पता चलता है, ठीक है. जो हमारे एंसेस्टर्स हमको छोड़कर गए हैं, जो रिमेनिंग्स वो लोग छोड़कर गए हैं, उससे हमें पता चलता है कि अर्ली टाइम पे कैसा था, हमारा पास्ट कैसा था. अबाउट नियर पास्ट वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स व्हेन देयर वाज नो पेपर टू राइट ऑन, आवर एंसेस्टर्स रोट देयर रिकॉर्ड्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स. पहले के टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, उस टाइम पे, पहले के टाइम पे कोई लिखने का कोई साधन नहीं होता था. पेपर वगैरह नहीं थे, पेपर में नहीं लिखा करते थे. तो वो लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज करते थे, जो उनके रिकॉर्ड्स थे उसको लिखने के लिए, ठीक है. जो रिकॉर्ड्स वो लिखने के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, द रिकॉर्ड्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक द ड्राइड भोजपत्र, द बार्क ऑफ ट्रीज, प्लेट्स ऑफ कॉपर, ठीक है, जो ट्रीज के जो बार्क्स है उसके ऊपर लिखते थे, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते थे, रॉक्स के ऊपर लिखते थे, पिलर्स के ऊपर लिखते थे. तो इस तरीके से अलग अलग
पेपर बने, प्रिंट प्रिंट होने लगे, ठीक है. द हैंड रिटन अकाउंट्स ऑफ कंटेम्पररी इवेंट्स दैट हेल्प अस इन नोइंग आवर पास्ट आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. और जो हैंड रिटन अकाउंट होता है अबाउट नोइंग आवर पास्ट, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन अकाउंट. These manuscripts were prepared by the few learned men of their age in different languages and scripts. Remember, by script we mean the form of writing a particular language. अब script क्या होता है? It's a form of a language. ठीक है, ये form of writing है. किसी भी language का लिखने का एक तरीका है, that is called script, जिसको हम लिपि भी कहते हैं. तो manuscript क्या होता है? It's a handwritten account. And script क्या होता है? It's a form of writing any language. Okay. Next we will see the religious literature. In literary source we will first see about the religious literature. Religious literature kya hota hai? The religious books of the Hindus, the Vedas, the Brahmanas, the Aranyakas, the Upanishad, the Ramayana, the Mahabharata, Puranas, etc. The Buddhist, Deepamsa, Mahavamsa. Ye jo alag alag religious books hain. ठीक है, हिंदूज के हम लोग देखते हैं रामायण महाभारत, ठीक है, बुद्धिज्म का हम लोग देखते हैं, जैनिज्म के हम लोग अलग अलग जो लिटरेरी बुक्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, रिलीजियस बुक्स हम लोग देखते हैं, उससे हमें क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलती हैं, ठीक है, उस टाइम की हमें क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस हमको पता चलता है. द वेदास टेल अस लॉट अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ आर्यस. अब जब वेदास हम लोग पढ़ते हैं, जो जो रिलीजियस बुक है वेदास, वेदास को जो हम लोग पढ़ते हैं उससे हमें आर्यंस के बारे में, आर्यंस के कल्चर के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है. ठीक है, तो ये जो रिलीजियस बुक्स हैं अलग अलग, हिंदूज के हो गए, बुद्धिज्म के हो गए, जैनिज्म के हो गए, ये जो अलग अलग जो रिलीजियस बुक्स हैं उसके बारे में हमें क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है. द रामायण एंड द महाभारत द टू ग्रेट एपिक्स गिव अस अ गुड डील ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस ऑफ द एपिक एज. ये जो महाभारत और जो रामायण है, जो जिसे महाकाव्य कहा जाता है, द ग्रेट टू एपिक्स कहा जाता है, उसमें हमें जो आर्यंस है उनके सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है. तो ये अलग अलग जो बुक्स होती है, रिलीजियस बुक्स होती है, ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्युलर लिटरेचर. क्या होता है सेक्युलर लिटरेचर? द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्यस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन. जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य जो राइटर थे, उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र, उन्होंने लिखी थी बुक अर्थशास्त्र, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हमें मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है. And the contemporary society, the Mudra Rakshasa by Vishakadatta is valuable information regarding the Nandas and the Mauryas. और जो Mudra Rakshasa है, जिसने इसने लिखी थी, Vishakadatta ने लिखी थी, उसमें हम लोगों को information मिलती है Nandas और Mauryas के बारे में, ये अलग अलग rulers के बारे में. जो पहले के time पे जो अलग अलग rulers आए थे, राजा महाराजा आए थे, उनके time पे, उनके ruling time पे, उन्हीं के court में राइटर्स हुआ करते थे, पोएट्स हुआ करते थे, जो कि उनके बारे में बायोग्राफी लिखते थे. ठीक है, राजाओं के बारे में बायोग्राफी लिखते थे, तो उनके बारे में भी हमें पता चलता है. जैसे कि मैंने बताया कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उनके उस बुक से हमको मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके, नेक्स्ट है ट्रैवलर्स अकाउंट. ट्रैवलर्स अकाउंट क्या होता है? अ नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज, तिब्बतन्स, मुस्लिम्स एक्सेट्रा, विजिटेड दिस कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड हैव लेफ्ट वैल्यूएबल पॉलिटिकल सोशल अकाउंट्स. अब हमारे इंडिया में टाइम टू टाइम नंबर ऑफ फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे वो हमारे इंडिया में आए, अलग अलग रूलिंग टाइम में, अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए. वो कहाँ कहाँ से बताए, ग्रीक से, रोमन से, जो चाइनीज थे, तिब्बतियन से, ठीक है, वहां अलग अलग देशों से क्या है, हमारे इंडिया में जो ट्रैवलर्स आए थे, यात्री आए थे, इंडिया में शायद घूमने के लिए आए हो, ठीक है, इंडिया में इंडिया को अच्छे से देखने के लिए, जानने के लिए वो लोग आए हो, ठीक है. तो ऐसे अलग अलग टाइम में अलग अलग जो ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने जो अकाउंट लिखा था, जो उन्होंने डायरी लिखी थी, जब भी वो लोग आते, ठीक है, वो लोग क्या करते, इंडिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, रिलीजियस लाइफ कैसी इंडिया की, उसके बारे में वो लोग टाइम टू टाइम जहां भी जाते, जो भी देखते, उसे क्या करते थे, डायरी में लिखा करते थे. तो ऐसे ही एक चाइनीज ट्रैवलर थे, जो कि कौन, ह्योंग सैंग और फाहेन, जो कि इंडिया में आए थे. कब आए थे? वो विजिटेड
country in search of knowledge and Buddhist literature have left valuable accounts about the religious, social and political condition of India. वो जो इंडिया में आए थे उन्होंने इंडिया के political, religious, जो social condition उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ अपनी जो डायरी है उसमें लिखा. Five is description of Pataliputra and Gupta administration. Few on science account of political, religious and social conditions of India towards the middle of the 7th century AD have proved very useful to us in reconstructing the history of India from AD 400 to 700. ये जो फाइव थे जिन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है अपने अकाउंट में, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो अकाउंट लिखा उन्होंने, उससे हमें आज क्या है बहुत सारी बहुत हेल्प मिलता है इंडिया को इंडिया की जो हिस्ट्री है उसे रिकंस्ट्रक्ट करने का. तो ये जो अलग अलग ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे उनके थ्रू भी, उनके रिटर्न अकाउंट के थ्रू भी क्या है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में जानने को मिलती है. नेक्स्ट वी विल सी द आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो अलग अलग टाइप के हमने अभी देखा लिटरेरी रिसोर्सेज, हमने सोर्सेज देखा हमने जिसमें रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, ट्रैवलर्स अकाउंट हमने देखा कि क्या होता है. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसके अंदर सबसे पहले है आर्टिफैक्ट्स. फर्स्ट विल सी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. लाइक डिस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द राइटिंग ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. फर्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन. The inscription entered on stone, copper plates, etc. provides information about important events of ancient rulers. अब जो inscriptions क्या होता है बच्चों, inscriptions का मतलब होता है कि जो लिखना, कहाँ पे लिखना, जो pillars है, ठीक है, जो inscriptions लिखे जाते हैं खोद कर, खुदाई करके लिखी जाती है, जैसे कि स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, रॉक्स के ऊपर या पिल्लर्स के ऊपर लिखी जाती है, जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं. जिससे कि हमें जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, जो अलग अलग एंशियंट जो रूलर्स आए थे उनके द्वारा जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी घटनाएं हुई थी, उसको हम लोग उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन. कॉइन्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अदर मेटल्स. और बहुत सारी मात्राओं में हमें क्या मिले हैं, पहले के टाइम के कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, ऐसे जो एक्सकवेशन के थ्रू क्या है बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं अलग अलग रूलिंग टाइम पे, अलग अलग राजाओं के टाइम का जो कॉइन वो यूज करते थे वो कॉइन्स भी हमें मिली है. वो कॉइन्स अलग अलग टाइप के हैं, कुछ गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, ठीक है, अलग अलग जैसे मेटल्स के कॉइन हमें मिले हैं. दे हेल्प अस इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सेवरल डायनेस्टीज, जिसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कॉइन्स के ऊपर क्या है डेट्स लिखी होती है, तो जो राजा जिस टाइम पे रूल करते थे उनके रूलिंग पीरियड का जो डेट्स लिखा होता है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कौन सा राजा कौन से ईयर का था. कई बार उसमें इमेजेस बनी होती है, जो रूलर्स होते हैं उनकी इमेजेस बनी होती है उसके अंदर. द कॉइन्स इश्यूड बाय समुद्रगुप्त टेल अस, अब जो समुद्रगुप्त जो रूलर थे, समुद्रगुप्त गुप्ता पीरियड के जो रूलर थे समुद्रगुप्त, उनके टाइम में जो कॉइन्स इश्यू हुए थे, टेल अस दैट ही वाज द डिवोटी ऑफ विष्णु, उससे देखे से हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे. समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड ऑन हिज कॉइन प्लेइंग वीणा, समुद्रगुप्त की इमेज बनी हुई है उस कॉइन के ऊपर. क्या इमेज बनी हुई है, समुद्रगुप्त वीणा प्ले कर रहे हैं, वीणा बजाते हुए उनका जो इमेज बनी हुई है उसके अंदर. दिस प्रूव्स ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो समुद्रगुप्त है उन्हें वो म्यूजिक बहुत पसंद है, वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, ठीक है. तो इस तरीके से हमें कॉइन से क्या है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये है इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स, ठीक है. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमने सबसे पहले पढ़ा था लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स क्या होता है बच्चों, रिटन सोर्स देंगे, ठीक है, जो कि रिलीजियस बुक के अंदर हमें मिलता है, सेक्युलर बुक के अंदर हमें मिलता है, और ट्रैवलर्स अकाउंट, जो ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में उनकी जो अकाउंट उन्होंने जो लिखे हैं उसमें. तो ये रिटन सोर्स है, लिखी हुई बातें उससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो वो होता है लिटरेरी सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो हम अब बात कर रहे हैं दैट इज नॉन रिटन सोर्स, वो नॉन रिटन सोर्स है. जैसे कि किसी चीज जैसे हमने लिखा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या है, स्टोन पर खुदाई करके लिखी हुई, ठीक है, या कॉपर प्लेट्स पे लिखी हुई, ये होता है. कॉइन्स, कॉइन्स में इमेजेस जो बने होते हैं, डेट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो हमें इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये कॉइन्स
इंस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट हम देखते हैं मॉन्यूमेंट्स. द रिम्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स अवशेष, जो रिमेनिंग्स, किसके रिमेनिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स के, टेम्पल्स के, पैलेसेस के, स्तूपास के, केव्स, ओल्ड टाउन्स, इन सबके जो रिमेनिंग्स है, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर पास्ट हेरिटेज. जो पास्ट हेरिटेज है, पास्ट जो विरासत है हमारी, उसके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. आज के टाइम में हम लोग कई जगह हम लोग देखते हैं ऐसे जो ओल्ड बिल्डिंग्स के या फिर कोई महल वगैरह है वो जो बचे हुए हैं आज भी, जब हम उनको देखते हैं, उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो हमें उस टाइम के रूलिंग जो राजा महाराजा थे उनके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये होता है मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, द रूइंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पैलेसेस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स. ओके, नेक्स्ट वी विल सी आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स और वर्क्स ऑफ आर्ट कंप्राइजिंग स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स ऑल्सो हेल्प अस इन फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट. अब आर्टिफैक्ट्स क्या होता है बच्चों, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है जो पहले के टाइम की बनी हुई जो मूर्तियां हैं, जो हमें मिली है मूर्ति या फिर जो पेंटिंग्स हैं, उससे भी हमें क्या है, पहले के टाइम की जो पास्ट के टाइम के लोगों की कल्चर के बारे में हमें पता चलता है. ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. सिमिलरली द इमेजेस एंड पेंटिंग्स ऑफ शिवा, विष्णु, बुद्धा एंड महावीर एंड स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड विच आर स्टिल फाउंड इन द एलोरा केव्स. अब देखो अजंता एलोरा जो केव्स है उसमें आज भी हमें इनकी पेंटिंग्स मिलती है. किसकी, विष्णु की, बुद्धा की, ठीक है, इनकी बुद्धा की, शिवा की, महावीरा की, इन सब की हमें आज भी मूर्ति या फिर पेंटिंग्स मिलती है. कहाँ पे, जो एलोरा केव्स है वहां पे मिलती है हमें. नॉट ओनली टेल्स अस अबाउट द एक्यूटनेस ऑफ द कंटेम्पररी स्कल्पचर बट ऑल्सो द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द गुप्ता रूलर्स. ठीक है, उससे हमें गुप्ता रूलर्स की जो रिलीजियस टॉलरेंस है उनके बारे में हमें पता चलता है. ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो पहले के टाइम की जो पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स है, उसके थ्रू हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. ओके, सो ये सब था हमारी जो हिस्ट्री. ठीक है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमने देखा, ये सब हमने अभी देखा. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस वन पास्ट और मैनी. क्या कहा गया है कि जो हमारा जो पास्ट है, हमारी जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो एक ही है या फिर और भी है, बहुत सारी है. इन फैक्ट हिस्टोरिकल सोर्सेस हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन फॉर एवरी कंट्री. फ्रॉम देन वी फॉर्म एन आइडिया ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर अबाउट पीपल हु लिव्ड इन दिस लैंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. फ्रॉम देन वी लर्न हाउ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक हर्डर्स. अब देखो पास्ट, हर कंट्री का अपना अपना एक पास्ट है. कोई भी कंट्री, इंडिया हो या दूसरा और भी कंट्री हो, देश हो, उनकी सबका अपना अपना एक पास्ट है, उसका सबका एक अपना अपना इम्पोर्टेंस भी है. ठीक है, इस पास्ट से ही हमें ये सीखने को मिलता है कि पहले के टाइम पे किस कैसे कैसे टाइप के लोग रहा करते थे, क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे. तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे लोग थे, जैसे कि हर्डर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, अलग अलग टाइप के लोग है ना. हर्डर्स हैं मतलब किसान हो गए, भेड़ बकरी चराने वाले हो गए, ऐसे बहुत टाइप के लोग whom we can call ordinary people, जिनको हम लोग ordinary people, आम लोग कह सकते हैं. Different life from the rulers and the kings. और ऐसे लोग जिनका बिल्कुल lifestyle अलग था, राजा महाराजा जैसे रहते थे, जैसा luxurious life उनका था, उनसे बिल्कुल अलग life होती थी किसकी, ordinary जो लोग होते थे, किसान वगैरह होते थे, उनकी life बिल्कुल ही अलग होती थी. The kings, for instance, led a luxurious life in great palaces, while farmers lived in ordinary houses and found it difficult to make the both ends meet. अब देखो जहाँ राजा बड़े-बड़े महलों में रहा करते थे और आलीशान घरों में रहा करते महलों में रहा करते थे और बिल्कुल luxurious lifestyle थी उनकी, वहीं पे ordinary लोग कहाँ पे छोटे-छोटे घरों में रहा करते थे और अपने घर खर्चा के लिए बहुत ही मेहनत करने वाले लोग थे. Again, when the kings kept a record of their battles, sports, leisure and pleasure, the ordinary people like the farmers did not keep a record of what they did. जहाँ पे राजाओं ने, अब देखो मैंने जैसे कि बताया था अलग अलग राजाओं के टाइम पे उनकी कोर्ट में अलग अलग राइटर्स होते थे, उनके खुद के पोएट्स होते थे जो कि उनके बारे में लिखा करते थे. क्या लिखते थे, राजा की लाइफ, उनकी बायोग्राफी लिखते थे कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा
कैसा था, उनकी बैटल्स के बारे में कि क्या क्या युद्ध उन्होंने लड़े, किस तरीके से लड़े, उन सब के बारे में डिटेल्ड अकाउंट हमको मिलता है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में हम लोग पाते हैं, ठीक है। उनके टाइम के जो उनके दरबार में जो पोएट्स होते थे या फिर जो राइटर्स होते थे वो उनके बारे में लिखते थे, उनके थ्रू हमें वो बुक पढ़ने से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट जो ऑर्डिनरी लोग उस टाइम के रहने वाले थे उनके बारे में ऐसा कोई रिटर्न जो अकाउंट है ही नहीं, कुछ भी ऐसा रिटर्न सोर्स नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में हमें पता ही नहीं, वो लोग कैसे रहा करते थे, कैसे वो लोग रहते थे, उनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं। The lives of ordinary people and the ruling class were so different that some historians even believe that we have not one past but many past. इसलिए जो historians हैं वो क्या कहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही पहलू पता है, मतलब हमें सिर्फ जो written source हमारे पास में है जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के बारे में हमें सब कुछ पता है, अलग अलग टाइम पीरियड में कौन कौन से रूलर्स आए, किस ईयर से किस ईयर तक उन्होंने रूल किया, उन सब के बारे में हमें डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन है। बट ऐसे लोग बहुत से थे जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, हमारा सिर्फ एक ही पास्ट नहीं है, ठीक है, हमारा सिर्फ एक पास्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे पास्ट हैं जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अब यही चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। आप लोग आई होप आप लोग अच्छे समझ में आया होगा कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है, ये सब आपको अच्छे समझ में आया। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे। थैंक यू।